हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिरजी कैंपस, सिरजी मैथ, बोरिंग रोड, शकुंतलम पैलेस। आई टीच यू सेकेंड लेक्चर ऑफ डिटरमिनेंट। तो बहुत दिन से इंतजार था आप लोगों का कि सर सेकेंड लेक्चर नहीं आ रहा है या लेक्चर नहीं बन रहा है, तो आज हम लेक्चर बनाने जा रहे हैं। माइंड करिए कितने प्रॉपर्टी है वो ध्यान दीजिए। देखिए कितना प्रॉपर्टी है बताने जा रहे हैं, सिक्स। या डिटरमिनेंट के अंदर कितना प्रॉपर्टीज है, सिक्स। क्या इससे फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है, जैसे फर्स्ट क्लास में आपको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सिखाए थे, हम ब्रेक करना सिखाए थे, तो जब हमको प्रॉपर्टी पता होगा तो बहुत सारे डिटरमिनेंट को बिना ब्रेक किए हुए रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। अब आपको अभी हम एक एग्जाम्पल देके पहले समझा रहे हैं। अभी हम आपको डिटरमिनेंट दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कैपिटल डी इज इक्वल टू। हम बोले इसको सॉल्व करिए, इसका वैल्यू फाइंड करिए। तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि 3 × 3 है, तो तीन एलिमेंट आप इसमें से क्या करेंगे, पसंद कर लेंगे 1, 2 और 3। अब अगर आप 1 लिए तो 1 का साइन बताए थे प्लस लेंगे, फिर ऐसे ऐसे खींचेंगे, याद है ना क्या मिला, बोलिए 4, 5, 6, 8, 9 ऐसे करके। फिर 2 लेंगे, 2 का साइन लेंगे, फिर इसके बाद 3 लेंगे, 3 का फिर लेंगे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए हमको 3 एलिमेंट पसंद करना पड़ा, 1, 2, 3, और फिर उस पर प्रोसेस करना पड़ा। लेकिन जरा सोचिए, अगर डिटरमिनेंट ऐसा रहता, यहां पर क्या रहता एलिमेंट 0, तो आप बताइए हमें अगर एलिमेंट 0 रहता तो कितना बार ब्रेक करना पड़ता हमको, मतलब कितना एलिमेंट लेना पड़ता सॉल्व करने के लिए, 2 ही एलिमेंट 1 और 2, क्योंकि 3 की जगह ऑलरेडी क्या होता 0, तो वो पार्ट तो 0 हो जाएगा। तो आपने देखा डिटरमिनेंट के अंदर 1 0 हुआ तो कुछ स्टेप मेरा कम हो गया। अगर मान लीजिए यहां भी 0 रहता तो पता चलता ये पार्ट भी 0, ये पार्ट भी 0, तो आप कहते सर एक एलिमेंट पसंद करेंगे, हम एक्सपेंड कर देंगे, वैल्यू डिटरमिनेंट का निकाल लेंगे। हाँ, अगर आप इधर से लेते हैं तो तीनों एलिमेंट लेना पड़ेगा, ऐसे चूज करते हैं तो एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो आप देखा कि डिटरमिनेंट के अंदर 2 एलिमेंट 0 हो गया रॉ में, तो काफी आसान हो गया, जो काम 3 बार करना पड़ता वो अब 1 बार करना पड़ रहा है 1 से। फिर आपके मन में हो रहा होगा सर ये एलिमेंट भी अगर 0 होगा तो, अगर एक ये एलिमेंट भी 0 होगा तो ये पार्ट भी 0 हो गया, तो 0 × something फाइनली क्या हो गया 0। यही है प्रॉपर्टीज फर्स्ट। अब इसको हम प्रॉपर्टी कैसे बनाते हैं, देखिए हम ये क्वेश्चन आपको दिए, हम बोले चला इसको तुम सॉल्व करके वैल्यू बताओ, तो कोई स्टूडेंट क्या करेगा, बोलेगा गुरुजी ऑर्डर 3 × 3 है, 3 एलिमेंट पसंद कर लेते हैं, इधर से पसंद कर लिया 7, 8, 9 तो उसको ब्रेक करना पड़ जाएगा, कोई इधर से पसंद कर लिया 0, 6, 9 तो 2 एलिमेंट से ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि 1 तो 0 है, अब कोई इधर से पसंद कर लिया 0, 0, 0 तो रिजल्ट ऐसे आएगा 0, 0, 0। और इसी को प्रॉपर्टी बना देते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बोलिएगा, डिटरमिनेंट में कोई एक रॉ या कोई एक कॉलम का ऑल एलिमेंट 0 हो तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। अभी आपने देखा डिटरमिनेंट में एक रॉ कंप्लीट 0 है तो इसका ये वैल्यू क्या मिल रहा है, 0। बस इसी बात को हम जो है लिखेंगे कि अगर कोई डिटरमिनेंट में एक रॉ या एक कॉलम का ऑल एलिमेंट 0 हो, डिटरमिनेंट क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। इसी को लिखते हैं हम यहां पर, इफ ऑल एलिमेंट of any row या column are 0, then value of determinant
भी जीरो। ओके, तो आपने क्या समझा, कोई डिटरमिनेंट का एक रॉ या एक कॉलम का और एलिमेंट जीरो होगा, रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। अब इसको और समझाते हैं। कोई आपको ऐसे दे दिया प्रॉपर्टी, बोला सुनो ए बी सी जीरो 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 डी ई एफ, रिजल्ट बताओ। जिस बच्चा को प्रॉपर्टी पता नहीं होगा वो बोलेगा ठहरिए इसका ऑर्डर चेक करते हैं, थ्री इंटू थ्री है, एक्सपेंड करने के लिए तीन एलिमेंट लेना होगा और तीनों एलिमेंट को लेकर के जैसे बताए हैं ऐसे ब्रेक करेगा, सॉल्व होगा, कुछ देर के बाद रिजल्ट वही आएगा जो प्रॉपर्टी से आएगा, मतलब जीरो ही आएगा। जो बच्चा प्रॉपर्टी जान रहा है वो कहेगा कि एक्सपेंड नहीं करेंगे हम, ध्यान दीजिए यहां पर एक कॉलम यानी सी टू कंप्लीट जीरो है, डिटरमिनेंट का मान ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर हो गया, यही था आपका प्रॉपर्टीज फर्स्ट। अब हम बताने आपको जा रहे हैं प्रॉपर्टीज सेकेंड। अब हम प्रॉपर्टी सेकेंड में आपको ऐसा क्वेश्चन दिया, बोले ए बी सी डी ई एफ ए बी सी, हमारे इसका वैल्यू बताइए। आपको प्रॉपर्टी इसका नहीं पता है तो आप कहेंगे सर थ्री इंटू थ्री ऑर्डर ले लेंगे, पता चला इसमें तीन एलिमेंट लेना है तो तीन एलिमेंट हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकर के एक्सपेंड करेंगे जो रिजल्ट आना होगा आएगा। लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, मेरे साथ बोलिए बोलिए, दो रॉ, दो ऐसे समझिए और तो कुछ मेरे पास नहीं है, डस्टर है, ऐसे दो रॉ, अभी दोनों क्या है बताइए, डिप मतलब सेम नहीं है, ये मार्कर है ये डस्टर है, सेम नहीं है। अगर इमेजिन करिए ये डस्टर भी मार्कर रहता तो दोनों सेम रहता, तो बोलिए दो रॉ या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो, समान हो, क्या हो, समान हो, तो ऐसा डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, एक्सपेंड करना, टाइम को बर्बाद करना है, डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा उसका, जीरो। मतलब आपने देखा कि C1 में, देखिए यहां पर C1 में क्या है ए बी सी, और यहां फिर देखिए C3 में क्या है ए बी सी, बताइए दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है, एक समान है कि नहीं है, है तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर हो गया, अब इसी बात को लिख देते हैं, इफ एनी टू रॉ या कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। क्लियर हो गया, अगर कोई डिटरमिनेंट का दो रॉ या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो रिजल्ट क्या होगा उसका, डायरेक्ट जीरो होगा, टाइम आपका सेव हो गया, एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा। अब आपको हम बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज थर्ड। थर्ड में क्या है वो समझ लीजिए, देखिए एक डिटरमिनेंट हमको ऐसा मिला A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, बोला एक्सपेंड करिए, हमने इसको एक्सपेंड किया कैसे, जैसे एक्सपेंड करते हैं 3×3 करके, पता चला सॉल्व हो करके इसका रिजल्ट जो है सो अल्फा आया, मान लेते हैं हम क्या आया, अल्फा आया। अब हमसे कोई बोला कि गुरुजी A1, A2, A3 किसमें लिखा हुआ है, रॉ में, इसको हम कॉलम में कर देते हैं, कर दो भाई, इसको रॉ में है कॉलम में कर देते हैं, B1, B2, B3 ये रॉ में है, इसको भी कॉलम में कर देते हैं, C1, C2, C3। तो बोला बताइए अब इसका मान क्या होगा। ओके, मतलब इस डिटरमिनेंट का मान अगर अल्फा दिया हुआ है या अल्फा निकाले हम
तो इस डिटरमिनेंट को घुमा दिया गया 90 पर, मतलब रॉ को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, कॉलम में, रॉ को कॉलम में, रॉ को कॉलम में। तब पूछा गया कि डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, तो फिर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा, कुछ रिजल्ट आएगा, तो आपको बता दें वो रिजल्ट भी अल्फा ही आएगा। फिर एक प्रॉपर्टी बन गया, क्या बन गया कि जैसे इस मार्कर को सुला के रखें या खड़ा कर दें, मार्कर ही कहलाएगा, इसका रिजल्ट सेम आएगा। इसी टाइप से डिटरमिनेंट को रॉ को पकड़ के कंप्लीट को कंप्लीट घुमा दे, एक रॉ घुमाने की बात नहीं हो रही है, कंप्लीट घुमा दे, कंप्लीट रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर दे या कॉलम को रॉ में कन्वर्ट कर दे, तो ऐसा डिटरमिनेंट का मान नहीं चेंज होता है। यहां लिख दिए अल्फा है, तो यहां भी क्या होगा, अल्फा होगा। अब इसी को हम लिखवा देते हैं, इफ ऑल रॉ, इफ ऑल रॉ एंड कॉलम, इफ ऑल रॉ एंड कॉलम आर, बदल दिए तो उसको क्या कहेगा, इंटरचेंज, इंटरचेंज, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आर क्या चीज, सेम। अगर कंप्लीट घुमा देंगे डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, सेम होगा। अगर इसका मान 50 आता तो इसका भी मान क्या आएगा, 50 आएगा। तो कितना प्रॉपर्टी आप सीख गए, सो बताइए थर्ड प्रॉपर्टी आप सीख गए, हाँ थर्ड कर देते हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज फोर। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपने इसको सॉल्व किया, हमने सॉल्व करिए, आपने इसको सॉल्व कर दिया, इसका रिजल्ट क्या आया, जीरो। सॉल्व करिएगा, जीरो ही आएगा, कौन जीरो, प्लस जीरो, मतलब जो आया उसके आगे साइन प्लस है। अब आपसे हम पूछे 1, 2, 3, देखिए वही चुतार रहे हैं, और ये जो 7, 8, 9 जो C3 में था उसको C2 कर दिए, 4, 5, 6 को C3 कर दिए। हम बोले बताइए इसका क्या मान होगा, तो आप फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, तो जानते हैं क्या आएगा, रिजल्ट वही आएगा, साइन बदला रहेगा, भले प्लस जीरो माइनस जीरो कोई फर्क नहीं, अलग मैटर है। मान लीजिए इसका अल्फा रहता इसका क्या मान आता, माइनस अल्फा आता, इसका अगर 10 रहता तो इसका क्या आएगा, माइनस 10 आएगा, तब वहां पर इफेक्ट लगेगा। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि इसमें हुआ क्या, किए क्या, इसमें किए कहां गया डस्टर, यहां समझिए, अभी ऐसे अरेंज है, इसको इसके जगह पर, इसको इसके जगह पर, मतलब जगह का अदला बदली कर दिए, किसका किसका, या तो रॉ को अदला बदली कर दें या कॉलम को अदला बदली कर दें, इसके जगह इसको एक बार चेंज करने पर, इंटरचेंज करने पर एक माइनस का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, एक माइनस का। जैसे कि मान लीजिए अगर सपोज करिए इसका मान अल्फा आता हो, इसका क्या आएगा बताइए, माइनस अल्फा। अगला बार फिर इसको बदल दीजिए, आपको मन हो गया सर हम रॉ में चेंज करना चाहते हैं, कर लीजिए 2, 8, 5 ऊपर लेके चले गए, 1, 7, 4 नीचे आएंगे, 3, 9, 6, तो पता क्या चला, फिर जो ही एक बार बदल दिया तो फिर एक माइनस का फॉर्मेशन आ गया, मतलब इसमें माइनस लगा फिर माइनस लग गया, तो हुआ क्या रिजल्ट, अल्फा है। तो आपने समझ गए, जितना बार आप चेंज करेंगे इसके जगह पर उसको और उसके जगह पर उसको बैठाएंगे, एक माइनस का फॉर्मेशन होगा, यही है आपका प्रॉपर्टीज कौन,
फोर नंबर। तो आइए जरा सा प्रॉपर्टीज फोर, तो समझ गए इसी बात को हम लिखा देते हैं। एनी टू रॉ या कॉलम आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आर सेम एंड चेंज द साइन, या डिटरमिनेंट के वैल्यू बताए थे अल्फा तो अल्फा एंड चेंज द साइन, चेंज द साइन मतलब पहले अल्फा तो बाद में क्या होगा माइनस अल्फा। फिजिक्स की भाषा में कहेंगे कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब कि माइनस का इंफॉर्मेशन लग गया। अब आइए ये प्रॉपर्टी होगी आपका फोर। अब हम फाइव नंबर प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहे हैं। देखिए डिटर्मिनेंट लिए हम ए बी सी ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू। अब आपको कोई बोला कि इसमें भाई के से मल्टीपल कर दो, किससे मल्टीपल के से। अब अगर इसमें के से मल्टीपल किया जाए तो मैट्रिक्स में आप क्या देखे थे याद है ना, मैट्रिक्स में आप देखे थे कि ऑल एलिमेंट में मल्टीपल हो रहा है, मतलब ऑल एलिमेंट में होता तो क्या लिखा था बताइए, ए के बी के सी के ए वन के ए टू के सॉरी ए वन के बी वन के सी वन के ए टू के बी टू के सी टू के सब में होता, तो डिटरमिनेंट में भी क्या ऐसा होगा या कुछ और होगा। तो बता दें आपको डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा इसी टाइप का होगा, मींस ऑल एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होके कोई एक रॉ या कोई एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। अब यहां लफड़ा है, जब ऑल में मल्टीप्लाई होता तो कोई दिक्कत था नहीं, जब एक रॉ या एक कॉलम में मल्टीपल होगा तो आपके मन पर डिपेंड करता है कि आप किस में मल्टीप्लाई करना चाहते हो। तो मान लीजिए आपका मन हुआ सर आर वन में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा, ए के बी के सी के बाकी सब को ऐसे छोड़ दीजिए, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू। फिर आइए अब आप कहेगा सर मेरा मन हो गया ना कि हम सी वन में मल्टीपल करें, तो बोलिए ए के ए वन के ए टू के बी बी वन बी टू सी सी वन सी टू। अब आपके मन में होगा सर हम आर टू में मल्टीपल करेंगे, कर लीजिए ए बी सी ए वन के बी वन के सी वन के, समझ रहे हैं ना, ए टू बी टू सी टू। तो क्लियर हो गया आपका ये प्रॉपर्टीज। अब इसी बात को हम लिखवाते हैं कि इफ एस्केलर के क्या है, एस्केलर है इफ एस्केलर के मल्टीपल ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट देन के मल्टीपल ओनली रॉ या ओनली रॉ एनी रॉ कर दीजिए या एनी कॉलम, मतलब कोई एक रॉ या कोई एक कॉलम में मल्टीपल हो। अब सिक्स नंबर जो प्रॉपर्टी है आपका लास्ट प्रॉपर्टीज वो दमदार प्रॉपर्टी है। दमदार मींस सब थोड़ा सा जान गए तो आसान लगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है, क्या है वो सुन लीजिए। जैसे डिटरमिनेंट इज इक्वल टू मैंने लिया ए प्लस ए वन बी प्लस बी वन सी प्लस सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री।
तो आपने देखा कोई एक कॉलम में और एलिमेंट में कुछ ऐड हो रहा है, डिटरमिनेंट दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर जाएगा, यही प्रॉपर्टीज है जी। अब कैसे ब्रेक होगा, तो a प्लस ए वन है तो a फर्स्ट वाले एलिमेंट में, a वन सेकेंड वाले में, b प्लस बी वन यहां b यहां b वन, c प्लस सी वन यहां c यहां c वन, यहां a टू यहां a टू, यहां b टू यहां b टू, यहां c टू यहां c टू, यहां a थ्री तो यहां a थ्री, यहां b थ्री तो यहां b थ्री, यहां c थ्री तो यहां c थ्री। क्लियर हो गया? मतलब अगर इसमें ऐड हो रहा है, देख रहे हैं आप ऐड हो रहा है, तो डिटरमिनेंट दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करेंगे। अब यहां पर एक बात है, बोलिए क्या, टू प्लस थ्री और थ्री प्लस टू तो सेम है, सेम, तो आप ए प्लस ए वन है तो कोई जोड़ी नहीं कि ए इसमें लिखेंगे ए वन इसमें लिखेंगे, आप यहां भी ए वन लिख सकते हैं यहां भी ए लिख सकते हैं, इसलिए कि ए प्लस ए वन को ए वन प्लस ए भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो। इतना ध्यान रखना है कि एडिशन हो रहा है तो दिस वाला पार्ट फर्स्ट में, सेकेंड पार्ट किसमें, सेकेंड डिटरमिनेंट में लिखा गया। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस ए वन है तो आप a लिखे, मान लीजिए यहां यहां क्या लिखे बोलिए a वन, अब b प्लस क्या है b वन, आपको मन है सर b वन यहां लिखे b यहां लिखे, तब भी क्लियर है, बात समझ रहे हैं ना। c प्लस c वन है, आपको मन होगा सर c वन यहां लिखे c यहां लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी जो जिसमें नहीं ऐड हो रहा है वो कैसे सोई के वैसे ही उतार दीजिए, ए टू बी टू सी टू ओके, तो डन हो गया। इसी को हम आपको लिखवा देते हैं, डिटरमिनेंट कैन स्प्लिट, इसको मिटा दे रहे हैं, लिखवा देते हैं। डिटरमिनेंट can split if a row या column is expressed of sum of two or more determinants. कहने का मतलब है कि उसको हम लोग दो या दो से अधिक के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चला, क्लियर हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, आपका सिक्स प्रॉपर्टीज सिखाए। अब तीसरा लेक्चर हम लेकर के आएंगे डिटरमिनेंट का, बहुत दमदार क्लास उसको कहा जाता है, जिसका नाम है ऑपरेशन ऑफ डिटरमिनेंट। वैसे भी जानते हैं कि ऑपरेशन का मतलब सर्जरी, कैसे हम जैसे हम लोग सुनते थे किसी का ऑपरेशन हो गया, इसका मतलब हो गया कि भाई सर्जरी किया गया, जो भी किया था। हम लोग अगले दिन अगले क्लास में आएंगे, डिटरमिनेंट का सर्जरी करेंगे। ओके, जय हिंद।